बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में फिर से यहाँ पे आपको बहाली देखने को मिलेगा, और ये बहाली होगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एएनएम पोस्ट के लिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे बिहार टेक्निकल में जेई का पोस्ट पे और फिर से बहाली कब आएगी, क्योंकि इसका काफ़ी यहाँ पे कमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एएनएम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे जेई के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका कब तक फॉर्म आएगा। चूँकि काफ़ी सारे इंजीनियर्स के पद रिक्त है और जेई का तो काफ़ी यहाँ पे खाली है, और एक्चुअल में यहाँ पे बात कर ले तो सिविल में मैक्सिमम पोस्ट है खाली, उसके बाद मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में। तो इस तरीके से सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में पोस्ट है, सबसे ज़्यादा सिविल में है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में है, और तब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में यहाँ पे कम है। तो रही बात कि यहाँ पे जो एएनएम की जो बहाली है, तो ऑलरेडी ये 2019 में बहाली आई थी आफ्टर जेई की बात, यानी कि जेई की जैसे ही बहाली 1/ था, और यहाँ पे 2/ यहाँ पे 2019 था एएनएम की बहाली, जिसमें 9000 लगभग यहाँ पे प्लस यहाँ पे पोस्ट थे। इसका जो फाइनली जो सिलेक्शन हुआ था लगभग 5000 प्लस यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, और 4000 कैंडिडेट को इसलिए यहाँ पे रिजेक्ट किया या अभी पेंडिंग में रखा गया, उनका बीएनआरसी से मान्यता प्राप्त नहीं था, यानी कि वो जो डिग्रियाँ होती है उनको बीएनआरसी से रजिस्टर्ड करना होता है, तो इस कारण से उन कैंडिडेट को नहीं लिया गया। हालांकि कई बार जो है कि स्टूडेंट इसको जो है कि फाइनल बहाली जो है कि 9000 पूरा करने की मांग उठाते रहे हैं, अब लेकिन अभी तक उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। तो देखिए क्या कुछ होता है वो 4000 कैंडिडेट का। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पद रिक्त पड़े हैं एएनएम का, तो उम्मीद है कि आपका जल्द ही आपका यहाँ पे रिक्तियाँ आए। अभी जो काफ़ी सारे यहाँ पे बीटीएससी पे लोड भी है, तो यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर्स की बहाली कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपका यहाँ पे एएनएम की बहाली आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर्स की यहाँ पे बहाली जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे ही डॉक्टर्स का होगा उसके बाद एएनएम के यहाँ पे बहाली आ जाएगा, और जो पेंडिंग है वैकेंसी है एएनएम का, अभी उसका कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे ही इसका कुछ भी अपडेट आता है तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जेई के बारे में डिस्कस करते हैं कि जेई का जो पोस्ट है, तो जेई का देखिए सब कुछ सही रहा, यदि डिपार्टमेंट जो आयोग है बीटीएससी यदि चाहे तो नेक्स्ट मंथ में फाइनल रिजल्ट जारी कर दी, तो फिर आपका इस साल में तो जेई की बहाली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए आएंगे, लेकिन बीटीएससी में नहीं आएगा। बीटीएससी में इतना जल्दी अब आपका नहीं देखने को मिलेगा, इस साल तो खैर नहीं आएगा, लेकिन एलआरसी के अंतर्गत काफ़ी कैंडिडेट जो एलआरसी में जो डिप्लोमा होल्डर्स वर्क कर रहे हैं अमीन के पोस्ट पे, वे सारे चाहेंगे कि जो वहाँ पे संविदा वाले हैं वे लोग यहाँ पे आ जाएं, और वहाँ पे जेई का पोस्ट भी नहीं है, वहाँ पे अमीन और एक कानूनगो का इस तरीके से वहाँ पे पोस्ट आया था, तो वे सारे चाहेंगे कि यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी वहाँ पर शिफ्ट हो जाए। और जैसे ही वे लोग कुछ कैंडिडेट लगभग 50% तो आ ही जाएंगे, 50% नहीं तो 30-40% मैक्सिमम चांस है कि आ जाएंगे। तो जैसे ही सारे वहाँ पे सीट खाली होगा तो यहाँ पे फिर जो है कि बड़ी वैकेंसी आएगी, और चूँकि यहाँ पे जितना बहाली हुआ था 5-6 हज़ार डिप्लोमा होल्डर्स का, उसमें इतना पर्याप्त जो है कि अमीन या जो कानूनगो है नहीं है कि पूरे बिहार ओवरऑल बिहार में जो है कि सर्वे कर सके, तो और भी यहाँ पे जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा उसके अलावे, यानी कि 30-40% ये खाली होंगे, और इसके अलावा जो भी नई यहाँ पे जो क्रिएट होंगे जो भी यहाँ पे वैकेंसी वो सारे एक साथ मिलाकर आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी जैसा ही कुछ भी अपडेट आएगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और आप लोग देखे थे कि जनवरी फरवरी में एक यहाँ पे अपडेट आया था कि 10000 यहाँ पे बहाली प्लस यहाँ पे होगा एलआरसी के अंतर्गत, तो एक ऐसा पोस्ट है अभी इसका जो है कि फाइनली उस टाइम यहाँ पे पूरी ओवरऑल यहाँ पे 10000 था, लेकिन अलग अलग कौन से पोस्ट पे कितना यहाँ पे बहाली होगा ये सारे कुछ भी यहाँ पे अपडेट नहीं थे। तो आने वाले इन फ्यूचर सब कुछ यहाँ पे क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें, जो भी अपडेट होगा हम लोग देंगे।
तो ये सारे जो वैकेंसी होगा ये BTSC क्लियर जैसे ही होगा, जितना जल्द हो सके BTSC JEE को क्लियर करें। चूँकि यहाँ पे PhD और UDHD MWRD सब यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है ये जो परमानेंट वैकेंसी के कारण, तो जो भी अपडेट होगा आगे हम लोग देते रहेंगे। आप लोग बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।